Things that we must have to carry with ourselves while traveling. What's up, you lovely people? Welcome back to my YouTube channel. Namaste, Adab, Sastiyakar. Hope you all are doing good. So, title देख के आज आप समझ में होंगे कि हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं. Yes, we are going to talk about things you must have to carry with yourself while traveling. So, I know traveling is common nowadays. हर कोई traveling कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं भी कॉमन चीजों के बारे में ही बात करने वाला हूँ. लेकिन यू मस्ट हैव टू कैरी दीज थिंग्स विद यू व्हाइल ट्रैवलिंग. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस. अरे अरे, इतनी सुबह किसका फोन आ गया? दो मिनट जरा. हाँ भाई, बोलो. अच्छा ऐसा? यार पापा नहीं मानेंगे यार. तेरे को पता है ना, नहीं जाने देते पापा कहीं भी घूमने बाहर. अरे भाई समझना. अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, मैं पापा से बात करके तुझे बताता हूँ, ठीक है? एक एक दिन दे मुझे, ठीक है? ओके बाय. Yes guys, so first thing you must have to know that कि अगर parents आपको allow नहीं कर रहे कहीं जाने के लिए, अगर आप उस age में नहीं आए अभी कि आप traveling start कर सकते हैं अपने friends के साथ या फिर खुद अकेले कहीं traveling करने का सोच रहे हैं, तो first thing ये आप ध्यान में रखें कि without the permission of your parents and your homage आप कहीं मत जाइए. क्योंकि अभी मेरी भी ये एज है, लेकिन मैं भी अभी तक पापा से कभी बोल नहीं पाया कि मुझे अकेले ट्रैवलिंग करना है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग. सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू नो दैट के सबसे पहले परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं. तो दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो दूसरी चीज़ ये है गाइस कि यू मस्ट हैव टू कैरी अ बैग, अ पैकिंग बैग विद योर सेल्फ, जिसमें आपकी क्लोथ्स रख सकते हैं. एक अच्छा बैग होना चाहिए विच इज ईजी टू हैंडल. ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू कैरी अ गुड बैग विद योरसेल्फ. यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी शॉप. ओके, तो फर्स्टली आपको एक कंफर्टेबल बैग अपने साथ रखना है जिसमें आप अपने डेली यूज के क्लोथ्स रख सकें, अपने साथ एक जो है ब्लैंक शीट आप अपने साथ रख सकें, ताकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म मनी में जा रहे हैं कहीं ट्रैवल करने, तो यू मस्ट हैव द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी ईजी फॉर योर ट्रिप. ओके, व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? बॉटल ये ना भैया. जी हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा हूँ, भाई ये मेरे हाथ में केवल नॉर्मल बॉटल है सॉडी की, ठीक है? हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ कि वाइल्ड ट्रैवलिंग अपनी बॉडी को ना हाइड्रेट रखना, ठीक है? डिहाइड्रेट नहीं रखना है, ठीक है? तो यू मस्ट हैव टू कैरी अ गुड बॉटल विद योरसेल्फ. बाहर का पानी ना पिए तो ही बेटर है, वरना अगर सडनली आपके बीच में अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है. यू मस्ट हैव टू कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स विद योरसेल्फ, जिसमें कुछ कॉमन मेडिसिन होनी चाहिए जो कि आपको सेफ रखें. अगर आप बाहर का पानी भी पी रहे हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन जो कि पानी भी क्लियर करती हैं आज के टाइम में, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ कमी ना आए इसलिए आपको अपने साथ एक प्रॉपर डाइट भी रखनी है. साथ में यू मस्ट हैव टू कैरी अ फर्स्ट एड बॉक्स विद योरसेल्फ, जो कि हर कहीं आपको तो काम आएगा ही आएगा, बाकी लोगों को भी. सडनली मान लीजिए किसी को लग जाती है वाइल ट्रैवलिंग, आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई दिख रहा है कि कोई इंसान को लग चुकी है या फिर वो गिर गया है, तो आप उसकी भी हेल्प आउट कर सकते हैं अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है. तो दीज आर सम कॉमन थिंग्स जो कि अभी तक मैंने आपको बता दिए कि आपको अपने साथ ट्रैवलिंग में इन चीज़ों को रखना है. चार्जर कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है यार, शायद कहीं मैंने रख दिया. जी तो आज का ज़माना ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो यू आप बिना फ़ोन के और बिना चार्जर के तो रह नहीं सकते. तो पहली चीज़ जो है कि कभी अपना चार्जर ना भूल जाए, ठीक है? फॉर द सेफ्टी पर्पस मैं यहाँ पे कुछ मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग यू मस्ट हैव टू कैरी अ गुड सेल फोन एंड अ गुड सिम विद फुल ऑफ नेटवर्क, ठीक है? आजकल वैसे भी सिम तो सारी हर कहीं नेटवर्क मिल जाते हैं, मगर फिर भी कुछ प्लेसेस ऐसी हैं इंडिया में जहाँ की नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं. लेकिन आपको मैं बता दूं कि रोड जो हैं बहुत सारी जगह हाईवे बन चुके हैं, इवन इन माउंटेन्स बहुत ही अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो चुका है रोड्स का. मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आगे जो है ट्रैवलिंग करने का प्लान कर रहा हूँ. कुछ ना कुछ ट्रिप तो हम प्लान करेंगे ज़रूर. यही नहीं, अभी और सुनिए. तो कहीं ना कहीं तो जाने को देखो मौका मिलेगा लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ है तो आपको भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिलेगा. तो हो सकता है आपको भी ये वीडियो काम आए और मुझे भी ये वीडियो काम आए जब मैं अपने लिए पैकिंग कर रहा होगा बैग के लिए, तो तब मुझे भी काम आएगी ये चीज़ें. जब मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये वीडियो देखने से बहुत चीज़ें ऐसी ध्यान में आ जाएगी कि मुझे रखना है, ठीक है? तो एक बात और दूसरी हम बात करते हैं. पहला आपका चार्जर हो गया, एक गुड सेलफोन हो गया, ठीक है? और कुछ एक्सटेंशन बोर्ड आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं ताकि आपको चार्जिंग में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? अब ट्रैवलिंग की बात हम कर ही रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ट्रैवलिंग के कि हम कैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ग्रुप में ट्रैवलिंग कर रहे हैं. ग्रुप में अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर इजी, ठीक है?
अलोन सिंगल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ कुछ टाइम के लिए रहती हैं, बाकी तो वो चीज़ें कम्फर्ट हो जाती हैं। अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखें हैं उस चीज़ों के लिए तो वो आपको फिर ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी आने वाली प्रॉब्लम्स। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप ग्रुप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत सी ईजी हो जाती हैं। ग्रुप ट्रैवलिंग में आप कार से भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव अ लाइसेंस एंड हैव अ गुड परमिट देन आप जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर आपको गुड ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर यही है कि अगर आप ट्रेन से जाएं तो इट मस्ट बी बेटर फॉर यू, क्योंकि अधिकतर हर जगह कनेक्शन है आजकल ट्रेन का। प्यारी समझ गई। तो यू मस्ट हैव टू नो कि कहाँ हम जाने चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे सीजन्स पे डिपेंड होता है कि हम लोग अभी स्पीति चले जाएं या फिर लद्दाख चले जाएं। देखिए, पहले छोटी जगह पे एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों का, फिर जाके कहीं बड़ी जगह पर जाइए, क्योंकि लद्दाख इज़ नॉट सो ईजी। मैंने तो अभी सिर्फ ब्लॉग्स ही देखे हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स के, तो मेरी तो अभी वैसे ही डर लगता है कि भाई मज़ा आता है वीडियो देखने में, लेकिन द रियलिटी बिहाइंड दिस हम लोगों को नहीं पता होता है। हम लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। बुरी चीज़ें हमें कभी नहीं दिखती हैं ब्लॉग्स में, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ब्लॉगर जो है वो एक पॉजिटिविटी फैलाता है, ठीक है। अगर वो नेगेटिविटी फैलाने लगेगा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा किसी के ब्लॉग देखेंगे, राइट। तो हाँ, हम बात कर रहे थे सिंगल ट्रैवलिंग एंड ग्रुप ट्रैवलिंग। अगर आप सिंगल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप बाइक से अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ गुड एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव अ थिंग्स टू कैरी विद बाइक, क्योंकि बाइक से ट्रैवलिंग करना इज नॉट ईजी। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि अगर आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो यू मस्ट गो थ्रू बसेस, यू मस्ट गो थ्रू ट्रेन्स, ठीक है।